सौरभ यादव है, मैं भारतीय किसान हूँ, भानू से मंडल प्रभारी हूँ। क्या बात दीदी आपके दादा क्या? देखिए, पिछले कुछ दिनों से यहाँ रैनकला टोल प्लाजा पे करीब 6-7 दिनों से कई पदाधिकारियों को समस्या आ रही थी, तो मैं यहाँ टोल पे गाड़ी लेके निकल रहा था। जब मैं निकला तो यहाँ पे मेरी गाड़ी रोक दी। मैंने पूछा, भाई पिछले कई सालों से ये टोल चल रहा है तो हमारी गाड़ियाँ यहाँ क्या यमुना एक्सप्रेस वे, लखनऊ एक्सप्रेस वे कहीं नहीं रोकी जाती हैं? क्योंकि ये जो टोल बना है किसानों की ज़मीन पर बना है, जितने भी टोल बने हैं किसानों की ज़मीन पर बने हैं। अगर किसान अपनी खेती के लिए जाता है या भारतीय किसान यूनियन भानू का कोई सिपाही अगर कहीं जाता है तो किसानों की सेवा के लिए जाता है। अगर उनसे टोल लिया जाएगा तो निश्चित है कि आंदोलन किया जाएगा। लेकिन इन्होंने मुझे कोई आश्वासन नहीं दिया। इन्होंने कहा कि चलो हम देख लेंगे, लेकिन फिर भी इन्होंने पदाधिकारियों की गाड़ी रोकना जारी रखा। इसके बाद में आज हम लोग यहाँ आए और हमने वार्ता की है। सफल हुई आपकी वार्ता में? देखिए, मैंने यह सामने सारी मांगे मान ली है। उन्होंने कहा है कि आपके जितने भी गाड़ियाँ हैं भारतीय किसान भानू की सब निकाली जाएंगी।